हिंदू मुसलमान क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप ऐसा कर सकते हैं? और आपने आज आज जो वक्तव्य दिए हैं ओवैसी साहब ने, रोज देते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ, विनय कुमार जी आपसे पूछना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की याद कभी कभी क्यों आती है आपको? देखिए विनय कुमार जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। देखिए संविधान को हम लोग जितना मानते उतना ही बीजेपी वाले नहीं मानते। हम तो संविधान के दायरे में रह के अपनी बात करते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम करना तो इनकी मोनोपोली है। देखिए आपने देखा ना विनय भाई, कैसा राम के नाम पे वोट लिया, राम के नाम पे सत्ता में, राम के नाम पे ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में घोटाला कर दिया। अब नाविका जी मुझे तीन जन के सवाल का जवाब दे रहा है, एक आपका, एक इश्करण का और एक कांग्रेस के प्रवक्ता का। आपने 20 मरतबा वक्त इस्तेमाल किया दिक्कत, वारिस पठान आपको क्या दिक्कत है कि मोदी ने ऐसा किया? वारिस पठान आपको क्या दिक्कत है? मुझे दो तीन दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि नविका कुमार टाइम्स नाउ की एंकर है या मोदी की प्रवक्ता है, आप मोदी जी के बारे में बोलिए। दूसरा मुझे दिक्कत ये है कि नविका कुमार संविधान के दायरे में रहकर बात नहीं करती, संविधान को नहीं मान रही है, और कहां से अपना कानून लेकर आई मुझे नहीं पता है। अब बात नंबर दो, इश्करण ने कहा कि वो वर्कर भी तो काम कर रहे हैं, कौन सा संविधान पढ़ते हैं तुम लोग? तो मैं इश्करण भंडारी को दिखाना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान पढ़ता हूं। वो संविधान वो पढ़ रहे हैं जो RSS के हेडक्वार्टर से आ रहा है, मैं उस संविधान को नहीं मानता। और वर्कर को आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर के हिसाब से कर रहे हो क्या? कि वर्कर ने क्या परमिशन लिया स्पीकर की जाने के पहले काम करने के लिए? किस तरह के तर्क दे रहे हो? आपका अपना इलाज कराना जरूरी है। तीसरा कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि MIM वाले बोलते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी वाले बोलते हैं तो MIM को फायदा होता है। अरे साहब, कब तक इस तरह के बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाते रहोगे? पूरी देश ने देख लिया कि आप में ताकत नहीं बीजेपी को हराने की, तो आप इस तरह का इल्जाम हम पे ठोकते हो। अब हम में ताकत है बीजेपी को हराने की, हम हराने जा रहे हैं तो आप हम पे इल्जाम मत कर रहे हो। अरे कभी अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और ये फेकू वर्सेस पप्पू की फाइट बंद करो। ये आपको मुबारक, एक फेकू बोलता है एक पप्पू बोलता है। अरे फेकू और पप्पू दोनों भी गए तेल लेने, अभी MIM जिंदाबाद है। छोड़ो संविधान की बात करते हैं। और मुदित अग्रवाल जी, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, और मैं कहूंगी अपनी टीम से कि आपको सारे लिंक्स भेज दे। जब प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे थे सेकंड वेव के दौरान, शायद वो याद आपको नहीं हो, लेकिन याद ताजा कराने के लिए, दुरुस्त कराने के लिए, हमको जब जिससे सवाल पूछना होता हम पूछ लेते हैं, हमें रेफरेंस किताब की जरूरत नहीं पड़ती। इश्करण भंडारी, 30 सेकंड्स, इतना ही समय है मेरे पास, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि सब लोग आपको ललकार रहे हैं। दो सिंपल सी बातों का जवाब दूंगा। मुझे पता नहीं वारिस कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है नहीं कि मंत्रालय एक टेंडर निकाले। इसको नहीं मानते हो? अरे बंद किताब, बंद किताब से क्या दिखा रहे हो? प्रधानमंत्री का मंत्रालय अंडर कंस्ट्रक्शन, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया धारा का दिया हुआ। आपकी स्पेशल किताब में ये धाराएं होती होंगी जिसके अंदर से ऐसे तुर्कमानी फरमान वर्कर का। अच्छा, वर्कर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर में आता है, बता दीजिए मुझे, वर्कर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है? अरे मोदी जी एग्जीक्यूटिव पावर रखते हैं, आपको पता है? आपको पता है जो कहती है? आपको पता है या नहीं पता है? मेरे को नहीं मालूम है, आप मुझे बताइए मोदी जी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का पावर रखते हैं? प्लीज, अरे संविधान की शपथ लेके संविधान की शपथ लेकर काम कर रहा है? अरे भैया भैया भैया, संविधान की शपथ लेकर काम कर रहा है क्या? अरे आपने सीज फायर, सीज फायर, इतनी 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 लड़ाई, इतनी लड़ाई तो ईरान और इराक के बीच में नहीं है, इतनी इतनी लड़ाई तो तालिबान, इतनी इतनी लड़ाई तो अफगानिस्तान में नहीं हुई जितनी यहाँ आप करने की कोशिश कर रहे हो। भाई मेरा सिर्फ इतना कहना है, मेरा सिर्फ इतना कहना है, अरे RSS संविधान को मानना छोड़ दो, RSS का संविधान कुछ काम का नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को मानो। इश्करण भंडारी, पढ़ाई लिखाई आती नहीं, किसका केस लड़े आदमी फांसी पे चढ़ा देगा ये आदमी? वर्कर काय में आता है? वर्कर काय में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर है? बताइए वो भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पावर रखते हैं? बताइए पार्लियामेंट का हेड कौन है? स्पीकर का क्या पावर है? पावर ऑफ स्पीकर कहती है क्या? जो कोई मंत्रालय बना रहा है उसके अंदर पता नहीं सकते, ये कौन सा आपका प्रोविजन है, कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है? हमारे देश का तो नहीं है, किसी और देश का आपने पढ़ के आए होंगे? संविधान को मत मानो, किसी और देश का पढ़ के आए होंगे? मुझे संविधान को मानता हूं, डॉक्टर बाबा, या कौन सी किताब पढ़ के आए हैं जिसके अंदर ये तर्क है? अरे दर्शकों, तस्वीरें क्या आ गई, जंग सी छिड़ गई है, हर तरफ एक इस तरह का माहौल बन गया है जैसे पता नहीं क्या हो गया, आसमान टूट गया या सैलाब आ गया। देखिए AIMIM, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस,
एक समय था लोग कहते थे कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है,